साल 2017 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ेगी समाजवादी पार्टी। सीएम अखिलेश यादव का बयान, कहा समाजवादी पार्टी अपने दम पर लड़ेगी चुनाव। लखनऊ के जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट में करण जौहर के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज हुआ। करण जौहर ने असहिष्णुता को लेकर दिया था बयान, 10 फरवरी को सुनवाई करेगी कोर्ट। शनि विवाद पर अयोध्या में रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि महिलाओं को शनि की पूजा नहीं करनी चाहिए, महिला का पति ही उसका परमेश्वर होता है। शनि शिंगणापुर मामले में धर्मगुरु स्वामी दीपांकर ने दावा किया कि मंदिर के ट्रस्ट से इस मामले को सुलझाने के लिए उन्हें बुलाया गया है और जल्द ही महिलाओं को पूजा करने का अधिकार मिल जाएगा। अपराधियों का अड्डा बनी है राजधानी लखनऊ। जानकीपुरम में एक महिला की बदमाशों ने की हत्या, घर में मिला शव। बीते एक सप्ताह में 4 लोगों की मौत हो चुकी है यहाँ पर। मुगल सराय में किरायेदार की बेटी के साथ गैंगरेप हुआ, मकान मालिक के बेटे ने तो उसके साथ वारदात को अंजाम दिया। मुकदमा दर्ज, लेकिन आरोपी अब तक फरार। इटावा में गुमशुदा हुए किन्नर के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार तो कर लिया, साथ ही साथ आरोपियों की निशानदेही पर किन्नर के शव को भी कुएं से बरामद किया गया है। हरदोई में दिनदहाड़े बदमाशों ने घर में घुसकर लाखों के जेवर सहित नकदी पर हाथ साफ कर लिया और मौके से फरार हुए, पुलिस बदमाशों की छानबीन में जुटी। कन्नौज पुलिस ने 120 कार्टन सरसों के तेल के साथ 4 चोरों को गिरफ्तार किया, तो वही तेल की कीमत लगभग 20 लाख रुपए बताई जा रही है। गौना में वन विभाग की लापरवाही के चलते करोड़ों की जो लकड़ी है वो सड़ रही है और लोग बाजार में वन माफियाओं से महंगी लकड़ी खरीदने को मजबूर हो रहे हैं। इलाहाबाद के धूमनगंज इलाके में आइसक्रीम पार्लर में काम करने वाले युवक का शर्मिले से सनसनी फैल गई, तो वही पुलिस पूरे मामले को प्रेम प्रसंग के साथ जोड़कर देख रही है। भदोही से बीजेपी के सांसद वीरेंद्र सिंह के आदर्श गांव कबलापुर का 1 साल पूरा हो चुका है। गांव में कुल 34 विभागों ने मिलकर कई तरह के विकास कार्य को अंजाम दिया। सांसद अपने दूसरे आदर्श गांव यानी कैडा में विकास के लिए प्रयासरत है। हरदोई के अधिवक्ता आरटीआई एक्टिविस्ट ने मोदी के अब तक के विदेशी दौरों पर हुए खर्च का हिसाब मांगा, तो मिला पीएमओ के सिर्फ 15-16 जून के भूटान दौरे का ही हिसाब। लखनऊ महोत्सव के सातवें दिन बॉलीवुड के मशहूर सिंगर्स मीट ब्रदर्स ने अपनी आवाज के जादू से खूब समा बांधा, जिसके चलते लोगों ने उनके गानों पर जमकर ठुमके लगाए। भदोई के गांव सीतापुर के युवाओं ने अपने गांव को डिजिटल बनाने के लिए एक नई वेबसाइट तैयार की है। इसके माध्यम से वो गांव के बाहर रहने वाले तमाम लोग जो हैं वेबसाइट से जुड़कर गांव के विकास के लिए हर संभव प्रयास करने का काम करेंगे। लखनऊ के पारा इलाके में पुलिस ने घर पर छापेमारी कर लाखों की कीमत की दुकानों से चोरी किए गए सामान की बरामदगी की। कानपुर में माफिया बिना किसी सुरक्षा के वन विभाग की मिली भगत से शीशम का पेड़ काट रहे थे, इसकी चपेट में आकर एक युवक की मौत। अलीगढ़ के थाना जवा क्षेत्र स्थित कासिमपुर पावर हाउस में तैनात कर्मचारी की अज्ञात लोगों ने गला घोट कर हत्या की। घटना की हत्या के पीछे पुरानी रंजिश का मामला बताया जा रहा है, पुलिस जांच में जुट गई है। वाराणसी के विराट नगर में विनोद नाम के युवक की गला रेती हुई लाश मिलने से सनसनी है। शव के पास एक चिट्ठी भी बरामद हुई है। पुलिस के अनुसार मामला प्रेम प्रसंग का लगता है। शामली की बाबरी में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में वोट के लिए अपहृत बीडीसी सदस्य की हत्या के मामले में पकड़ा टूर, परिजनों ने शव लेने से इंकार किया। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। रायबरेली के लालगंज थाना क्षेत्र में बुजुर्ग का शव मिलने से सनसनी फैल गई। NH-232 के किनारे झाड़ियों में मिला यह शव, पुलिस ने सबको कब्जे में लिया, जांच जारी। पीलीभीत के थाना पूर्णपुर क्षेत्र में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई है, शव की गर्दन कटी हुई पाई गई थी। शामली मगवाड़ी किशोरी को पुलिस ने बरामद कर लिया है, किशोरी को उसी के चाचा ने अगवा किया था, पुलिस ने आरोपी चाचा को भी गिरफ्तार कर लिया है। मैनपुरी में बीएसपी के प्रत्याशी रितु सिंह ने सभा प्रत्याशी पर उनके 40 बीडीसी समर्थकों को अगवा करने का आरोप लगाया, बसपा प्रत्याशी ने डीएम कार्यालय का घेराव भी किया। कासगंज में देश को आतंकवाद से मुक्त कराने के लिए गायत्री परिवार के द्वारा 24 कुंजी महायज्ञ का आयोजन शुरू किया गया, जो 4 दिनों तक चलेगा। मऊ में आगामी ग्रीष्मकाल के मौसम को देखते हुए जनपद मऊ पुलिस और अग्निशमन विभाग ने भीड़भाड़ वाले जगह पर आग की घटनाओं से निपटने के लिए मॉक ड्रिल किया। तो वहीं इलाहाबाद के फायर विभाग की तरफ से आग लगने के बचाव और साथ ही साथ लोगों में इसको लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया, इसको लेकर बाकायदा एक फ्लैग तैयार किया गया। गोरखपुर के सिटी मॉल में फायर विभाग की मॉक ड्रिल हुई, लोगों को मालूम नहीं था कि ऐसी कोई मॉक ड्रिल होने वाली है, थोड़ी सी अफरा तफरी बची, फिर लोगों को बाद में इस बारे में बताया गया। आगरा में भीषण आग से कैसे निपटा जाए, इसे लेकर मॉकड्रिल की गई। मॉकड्रिल में दमकल विभाग की पोल खुल गई, मॉकड्रिल के वक्त ही विभाग के पास सही उपकरण मौजूद नजर नहीं आए। मुगलसराय जीआरपी ने 4 मासूम लड़कियों को दरिंदों की चंगुल से छुड़ा लिया। लड़कियों को भागलपुर में डांस करवाकर मिर्जापुर ले जाया जा रहा था, पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया।
मोरादाबाद के थाना ठाकुर द्वारा क्षेत्र के ऋतुपुरा में एक सांप को देखने के लिए लोगों का मजमा लगा हुआ है। लोग नागदेव की पूजा कर रहे हैं। 6 फुट लंबा यह सांप 28 दिसंबर से एक ही जगह पर जस का तस बैठा हुआ है। पीआईजी के आदेश पर कानपुर के एसएसपी ने शहर के 7 बड़े चौराहों पर यातायात को सुधारने के लिए ट्रैफिक पुलिस के साथ सिविल पुलिस भी यातायात को सुधारेगी, ऐसी शुरुआत की। मिर्जापुर के एकमात्र टीवी अस्पताल की हालत खुद बीमार हो गई है। हाल ये है कि मरीज बेड छोड़कर खुले आसमान के नीचे जमीन पर लेटे पाए जा रहे हैं। कानपुर देहात के थाना शिवराजपुर में तैनात सिपाही सुरेंद्र तिवारी की मौत की मिस्ट्री अब तक सुलझ नहीं पाई है। फर्रुखाबाद के रहने वाले सिपाही सुरेंद्र की पत्नी इंसाफ के लिए अधिकारियों को चक्कर काट रही है। गोरखपुर में दारोगा सीताराम यादव की शहर पर दबंगों ने गांव की बीमार महिला की 4 दीवारी गिरा डाली और महिला की जमीन पर कब्जा करने में जुटे हैं। हापुड़ विद्युत भंडारण उप केंद्र में करोड़ों के गबन का मामला सामने आया है। गबन का आरोप तत्कालीन सहायक अभियंता पर लगा है। आजमगढ़ में शहीदों के नाम पर अश्लीलता का मंचन हुआ। शहीद आजम भगत सिंह के नाम पर हुए कार्यक्रम में जमकर छूके लगे। कन्नौज के तिरवा मेडिकल कॉलेज परिसर में स्थित पानी की टंकी पर लाल सिंह और कुलदीप नाम के 2 युवक चढ़ गए। दोनों युवकों की मांग थी कि उनको नौकरी चाहिए। ग्रेटर नोएडा के दादरी स्वास्थ्य केंद्र में 2 बच्चों को इंजेक्शन लगाया गया, जिसके बाद दोनों बच्चों के पैर हिल तक नहीं पा रहे। परिजनों ने कहा कि गलत इंजेक्शन लगाया गया, तो वही सीएमओ कह रहे हैं इंजेक्शन सही है। बस्ती पुलिस पर अपहरण के मामले को उलझाने का आरोप लग रहा है। 4 दिन पहले हुए एक बच्चे के अपहरण की घटना को पुलिस मामले से इंकार कर रही, जबकि अगवा बच्चे ने घटना को सही करार दिया। मैनपुरी के राजकीय इंटर कॉलेज में टेट की परीक्षा देते हुए मुन्ना भाई पकड़ा गया। युवक मैनपुरी के साहिल चौहान के बदले 10,000 रूपये में परीक्षा देने आया था। इलाहाबाद में टीआईटी के लिए सुरक्षा के इंतजाम काफी चौक चौबंद थे। जिले में कुल 75 सेंटर्स पर परीक्षा हुई। मिर्जापुर में भी शिक्षक पात्रता परीक्षा कुल 9 सेंटर्स पर हुई। 7,627 परीक्षार्थियों ने हिस्सा लिया। गोरखपुर जिले में कई विद्यालयों पर टीईटी की परीक्षा कराई गई, जिसके लिए दूर दराज से टीईटी आए अभ्यर्थी शामिल हुए। आगरा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की मनमानी छात्रों पर भारी पड़ रही है। यहां छात्रों के प्रार्थना पत्र प्रमाण पत्र शौचालय में फेंक दिए जाते हैं। लखनऊ में सड़क पर दिखा घर का कलेश। पति ने पति की प्रेमिका की जमकर धुनाई की। पहले महिला थाने में गई थी शिकायत करवाने के लिए, इंसाफ न मिलने पर उसने खुद ही प्रेमिका को पीट दिया। मुरादाबाद ट्रैफिक पुलिस के उत्पीड़न के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर तक एक जुलूस निकाला। कार्यकर्ताओं का कहना है कि ट्रैफिक पुलिस पिछले 10 दिनों से वाहनों का जबरदस्ती चालान काट रही है। बलिया में होमगार्ड के हजारों जवान कलेक्ट्रेट परिसर में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। होमगार्ड्स के माने तो 7% ड्यूटी लगाने के बजाय महज 17% ही ड्यूटी लग रही है। झांसी कलेक्ट्रेट में किसानों ने सूखा प्रभावित किसानों को राहत देने की मांग की है। साथ ही साथ किसानों ने मुआवजे की रकम बढ़ाने और प्रति माह पेंशन देने की मांग भी पेश की है। गंगा सफाई अभियान के तहत कानपुर पहुंचे सांसदों के दल को सपा विधायक के 500 सदस्य और उनके समर्थकों ने काले झंडे दिखाए। फतेहपुर के हसवा ब्लॉक के खेसाहन गांव में बीडीसी सदस्य के घर पूर्व विधायक आधा दर्जन समर्थकों के साथ वोट मांगने गए। वोट देने से इंकार करने पर बीडीसी सदस्य का ट्रैक्टर उठाकर लिया जाया गया। शाहजहांपुर के जलालाबाद इलाके में दबंगों ने एक युवक को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। दबंगों का युवक कमलेश से कुछ दिनों से विवाद जारी था। कमलेश को अस्पताल ले जाया गया, जहां मृत घोषित कर दिया गया डॉक्टर्स ने। बरेली के इज्जत नगर के आलोक नगर में पति अपनी पत्नी और बच्ची को घर से निकालकर दूसरी महिला के साथ भागने की फिराक में था। पत्नी ने घर दबोचा और मोहल्ले वालों के साथ जमकर पीटा। बाराबंकी में दबंगों से पीड़ित एक पत्रकार ने कोतवाल रविंद्र सिंह से फोन पर मदद मांगी, लेकिन मदद मिलना तो दूर बल्कि कोतवाल पत्रकार को ही दबंगे दिखाने लग गए। लखनऊ में सारे खुदकुशी मामले में 5 दिन बाद भी लखनऊ पुलिस के हाथ खाली के खाली धरे आरोपी अजय ने कोर्ट में सरेंडर किया। बिजनौर के गुटगरा गांव के सफाईकर्मी गोपाल सिंह ने जिला पंचायत अधिकारी मनीष कुमार पर शोषण का आरोप लगाया। वो पूरे परिवार सहित आत्महत्या करने को मजबूर है। झांसी की पुलिस ने कैसे शातिर बच्चे को पकड़ लिया, जो पॉकेट मारे की 1,000 से ज्यादा वारदातों को अंजाम दे चुका है। 10 साल का यह शातिर बच्चा पहले भोपाल में रेलवे स्टेशन पर चोरी किया करता था। मथुरा क्राइम ब्रांच पुलिस ने बाबरिया गैंग के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया। यह गैंग दिल्ली एनसीआर सहित कई राज्य में लूट डकैती हत्या की वारदातों को अंजाम देता था। गाजियाबाद पुलिस ने गाड़ियों में लिफ्ट लेकर लूट करने वाले एक ऐसे गैंग का खुलासा किया, जो जयपुर से लूट करने के लिए गाजियाबाद आया करता था। मथुरा के थाना गोवर्धन इलाके के बरसाना रोड पर बरसाना की तरफ से आ रही एक तेज रफ्तार गाड़ी ने स्कूल से लौट रहे एक मासूम को रौंद दिया। बच्चे की मौत।
कन्नौज में तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार दारोगा को टक्कर मारी, दारोगा ने दम तोड़ दिया। रामपुर में बाइक सवार माता पिता और बेटे को अज्ञात ट्रक ने कुचल दिया, हादसे में तीनों की मौके पर मौत। कानपुर के केशव नगर इलाके में तेज रफ्तार कार ने सामने से आ रही कार को टक्कर मारी, दो छात्र गंभीर तौर पर जख्मी। बुलंदशहर के थाना अनूपशहर इलाके में देर रात एक गाड़ी में अचानक आग लग गई, देखते देखते गाड़ी धू धू कर जलकर खाक हुई, इसमें काफी पैसा भी बताया जा रहा है। फरुखाबाद में इटावा बरेली हाईवे के बघार नालापुर के पास एक हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया, दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर आखिरकार काबू पाया। सहारनपुर के फर्द हॉस्पिटल में एक नवजात को सांस लेने में तकलीफ के चलते भर्ती कराया गया था, मां बाप पैसों का इंतजाम करते ही चढ़ने के लिए बाहर गए, उसके बाद वापस नहीं लौटे।